तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपका अपना फूडी राहुल लेकर आ गया हूँ आज आपको पुरानी दिल्ली चांदनी चौक में, चांदनी चौक का अपना शॉपिंग मॉल दिखाने के लिए, जो है ओमैक्सी मॉल, जो हाल फिलहाल में ओपन हुआ है जस्ट एक महीना पहले ही। और अभी देखते हैं ये कितना फुल्ली फंक्शनल है या नहीं है, और यहाँ पे आना वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं। मैं दिल्ली में चलने वाले मोस्ट ऑफ द इवेंट्स को कवर करता हूँ। अगर आप देखना चाहते तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको ये ओमैक्सी मॉल, ये आप पीछे देख रहे होंगे अभी आधा अधूरा बना है, खुला है। तो चलिए देखते हैं ये कितना अभी ओपन हुआ है अंदर चल के। तो दोस्तों चांदनी चौक में खुल गया है चांदनी चौक का अपना ओमैक्सी चौक, चांदनी चौक शॉपिंग मॉल, और ये अभी अभी खुला है तो कुछ ही इसके सेक्शन अभी यहाँ पे फंक्शनल है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये है चांदनी चौक का अपना शॉपिंग मॉल, ये दावतपुर सिटी ऑफ फूड, ये है सेकंड फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड पे, तो ये सारे के सारे ज्वेलरी शॉप्स हैं। और यहाँ पे एस्केलेटर्स है, तो यहाँ से जाएंगे अब हम ऊपर और चल के देखते हैं कि दावतपुर में क्या क्या हमें खाने को मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ। ग्राउंड फ्लोर पे ज्वेलरी के बड़े ब्रांड्स जैसे कल्याण और पीपी ज्वेलर्स, इसके साथ साथ ये देखिए इधर, तो दोस्तों चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में ये एस्केलेटर है जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के लिए जाती है, और बड़े ब्रांड्स के साथ साथ यहाँ पे फूड कोर्ट भी बहुत अच्छा बनाया गया है दोस्तों। दावतपुर सिटी ऑफ फूड जो सेकंड फ्लोर पे है, ये सारे ब्रांड्स हैं जो आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे KFC है, डोमिनोज है, हल्दीराम है, पिज्जा हट है, और साथ में देखिए कितने सारे ब्रांड्स हैं जो आप यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको स्ट्रीट फूड टेस्ट करना है तो आप चांदनी चौक साथ में ही है सामने गुरुद्वारे के, तो वहाँ आप टेस्ट कर सकते हैं चांदनी चौक का ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड। दोस्तों ये शॉपिंग मॉल अभी हाल फिलहाल में ओपन हुआ है, और जो ओपन हुआ है वो आधा अधूरा हुआ है, तो अभी इसको खुलने में करीब करीब 2-3 महीने और लगेंगे। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर से अब सीधे लेके चलता हूँ सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे चल के देखते हैं। मैं अगर पुरानी दिल्ली आता हूँ तो मेरे प्रेफर्ड जो फूड प्लेसेस रहते हैं वो रहते हैं स्ट्रीट फूड यहाँ चांदनी चौक का, और ऑल ओवर वर्ल्ड में जब फेमस है तो भाई हमें स्ट्रीट फूड ही पसंद है। तो जैसे ही आप एस्केलेटर से ऊपर आते हैं तो ये है सुनहरी नगरी जो फूड कोर्ट का फर्स्ट सेक्शन है, इसके बाद राइट साइड में है लाल बाग, और उसके पीछे है पन्नापुर और नील नगरी। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको चुस्की खानी है तो ये यहाँ आ सकते हैं, और ये 100 रुपये की चुस्की है, वो आपने गोला सुना होगा। तो ये सारे फ्लेवर्स हैं जो आप टेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इस फूड कोर्ट के बारे में बताऊँ तो ये फूड कोर्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो आप सामने देख रहे होंगे तो वो है आपका लाल बाग, और ये देखिए ऊपर ये 4 सेक्शन हैं जिसमें पूरे फूड कोर्ट को डिवाइड किया गया है। दोस्तों ये जो राइट साइड में फूड कोर्ट है ये रेड रेड लाइट्स के साथ डेकोरेट किया गया है, और ये है लाल बाग। इसके बाद आपका पीछे इधर भी पड़ता है सुनहरी नगरी, और ये है सुनहरी नगरी दोस्तों, ये लेफ्ट साइड में, और इसका थीम ही एकदम गोल्डन गोल्डन है, तो इसे सुनहरी नगरी है। इस फूड कोर्ट की जो थीम है वो ग्रीन ग्रीन, तो ये पन्नापुर है, इसको ग्रीन कलर में पूरा डेकोरेट किया गया है। और ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं यहाँ आकर के। दोस्तों अब हम आ गए नील नगर में, और यहाँ का जो थीम है वो ब्लू व्यू है, और लाइट्स और डेकोरेशन से भी आपको समझ में आ जाएगा कि नील नगर में आप यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे भी ओपन फूड कोर्ट है जैसे कि आपने पन्नापुर में और वो सुनहरी नगरी में देखा।
तो चलिए अब मैं आपको इधर ये लाल बाग में दिखाता हूँ कौन कौन से ब्रांड आप यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हैं। फूड की एक अच्छी वैरायटी तो है यहाँ पे, साथ में फूड कोर्ट जो इसका मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा खुला है, बट वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जो अगर आप पुरानी दिल्ली आते हैं चांदनी चौक, तो चांदनी चौक का तो स्ट्रीट फूड ही दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस स्ट्रीट फूड है चांदनी चौक का। अगर आप इधर आते हैं तो वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं और चांदनी चौक का स्ट्रीट फूड भी टेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, एक बार विजिट करना तो बनता है दोस्तों मेरे हिसाब से। बाकी वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें चांदनी चौक में बहुत अच्छी और टेस्टी मिलती है, यहाँ पे वो सब नहीं दिखा मेरे को। बाकी इसी तरह के ब्लॉग अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।